बच्चों, आज हम क्लास टू इंग्लिश की पोयम मिस्टर नोबडी पढ़ेंगे। मिस्टर नोबडी का अर्थ है श्रीमान कोई नहीं। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस। मैं एक ऐसे मजेदार छोटे व्यक्ति को जानता हूँ जो कि एक चूहे की तरह शांत है। हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, जो कि घर में होने वाली शरारतों को करता है जो हर घर में होती हैं। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, कभी किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हर जो प्लेट तोड़ी गई है वह है मिस्टर नोबडी अर्थात श्रीमान कोई नहीं के द्वारा ही तोड़ी गई है। चलें अब न्यू वर्ड्स देखते हैं। क्वाइट मीनिंग विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए हुए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, रीना इज वेरी क्वाइट इन द क्लास, माई डॉग इज वेरी क्वाइट। मिसचीफ, ट्रबल कॉज्ड बाय समवन, जैसे शरारतें। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हिज मिसचीफ इन द क्लास वॉज कॉट बाय हिज क्लास टीचर, शी वॉज बेंट ऑन मिसचीफ। एवरीबडी, एवरी पर्सन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, एवरीबडी हैज टू रेज देयर हैंड्स, एवरीबडी विल हैव टू सफर बिकॉज ऑफ हिम। एग्री, हैविंग अ सेम ओपिनियन अर्थात सहमति होना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई एग्री दैट ही इज वेरी पंक्चुअल इन क्लास, आई एग्री टू द फैक्ट दैट यू आर वेरी केयरलेस। नोबडी मीनिंग नो वन, कोई नहीं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, नोबडी शुड टीज एनिमल्स, नोबडी शुड मेक अ नॉइस व्हाइल आई प्रे। रीडिंग इज फन। हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन। हैज एनी वन एवर सीन हिम? नो, नोबडी हैज एवर सीन हिम। इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? यस, देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने कभी कोई शरारती काम किया है? यस, अ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन समथिंग नॉटी। व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया है? आई हिट द ग्लास ऑफ विंडो ऑफ माई ड्राइंग रूम वाइल प्लेइंग क्रिकेट। हियर यू कैन राइट डिफरेंट आंसर्स। व्हाट डिड यू से? आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू माई मदर। तो मैंने अपनी गलती मान ली और अपनी माँ से सॉरी कहा। समटाइम्स यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, टिक दोज डेट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। सो आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। यस, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। यस, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इन टू अ नेस्ट। यस, आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। यस, हियर योर आंसर्स मे वेरी। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। A mouse ran into the house. So here rhyming words are mouse,
एंड हाउस। आई कैन सी द लिटिल बी। राइमिंग वर्ड्स आर सी एंड बी। That was a fat cat. Rhyming words are fat and cat. Give me a handkerchief. Don't do any mischief. Handkerchief and mischief are rhyming words. So these are the answers. Let's draw. Make group of 5 children each. Each group takes a big chart paper. Each group draws a Mr. Nobody. The first child draws Mr. Nobody's head. The second child draws his clothes. The third child draws the arms. The fourth child draws his legs. The fifth child draws Mr. Nobody's hair. Look at Mr. Nobody. Isn't he a funny man? Color him. तो यह टास्क आपको खुद करना है। Fill in the blanks with A, E, I, O, U. ये head है, so spelling में A आएगा। Second में arms में भी A आएगा। Legs, dress, hair. Add no, some and every to the word body to make new words. Nobody, somebody, everybody. Seema wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dixit. Ram wrote his mother's name like this, Mrs. Neha Ramdas. Write your father's name as Seema did, Mr. Ajit Kumar Jain. Write your mother's name as Ram did, Mrs. Manju Jain. Use Mr. and Mrs. to write more names you know. Mr. Gautam Sinha, Mr. Riya Rajput. The zigzag boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that. Make essay little छोटे zigzag boy को, लड़के को जानती हूँ जो कि इधर उधर चलता है। He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. उसे कभी पता नहीं चलता कि वह अपने कोट को, शूज को, हैट को कहाँ रखता है। If you are not a zigzag child, you'll have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. अगर आप एक zigzag child नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखी या भूल गए हैं। Can you make zigzag lines? See how the zigzag boy runs. तो आपको भी zigzag lines बनानी है और देखना है कि zigzag boy कैसे भाग रहा है उसमें। Let's practice. ये cursive writing words है जिनकी आपको practice करनी है। Thank you for watching the video till the end.